नमस्कार मेरे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे भाइयों, ये है पावर ट्रैक 439 प्लस, डीजल सेवर मॉडल है सुपर मैक्स। और ये देखिए, नौ फाड़ी का टीलर चला रहा है और आवाज़ सुने आप इसकी, कितनी बेहतरीन आवाज़ कर रहा है ट्रैक्टर। और कलर स्कीम देखिए इस ट्रैक्टर की, फार्म ट्रैक में तो आता है नीले के साथ, मतलब सारे नीला कर देते हैं, और इसमें नीले के साथ काली पेंट स्कीम आती है, काला इंजन पे हो जाता है इसका पेंट। और दोनों ही एस्कॉर्ट के अंश हैं। देखिए तो आर पी एम नहीं तोड़ता ट्रैक्टर बिल्कुल भी, देखिए, और बिल्कुल लागू टीलर चला रखा है। और एक बार आप ट्रैक्टर की लुक देखिए, कितनी मस्कुलर लुक है। ये देखिए मेरे भाइयों, क्या मज़ेदारी वाली बात आ गई बिल्कुल। और मेरे भाइयों, 2339 सीसी इंजन है, 41 हॉर्स पावर, 3 सिलेंडर, 2200 इंजन रेटेड आरपीएम पे वर्क करता है ट्रैक्टर। तो अच्छी खासी पावर है ट्रैक्टर में। और इसका सीधा सीधा जो कंपटीशन है वो मैं मैसी 241 के साथ मानता हूँ। तो हम किसान से पता करेंगे क्या एवरेज देता है ट्रैक्टर, क्योंकि सही तो किसान ही बता पाते हैं। क्लियर साउंड निकाल रहा है ट्रैक्टर, कोई ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा ट्रैक्टर को। और मेरे भाइयों, पीटीओ एचपी इसमें 41 एचपी होने के बावजूद 38.9 है, मतलब लगभग 39 एचपी। तो अच्छी खासी पीटीओ एचपी है ट्रैक्टर की। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर है पावर ट्रैक के। और ये पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है, भाइयों ट्रैक्टर में 1850 किलो वजन है, 18 क्विंटल। और लिफ्ट कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर की है वो है 15 क्विंटल की। और जो फ्यूल टैंक है इसका वो 50 लीटर का फ्यूल टैंक है। और ट्रैक्टर तेल की बचत भी ठीक ठाक करता है, और ठीक ठाक ही फ्यूल टैंक है। और इसमें दो टायर ऑप्शन आते हैं, 13/6/28 और 12/6/28। ये 13/6/28 के टायर हैं इसके, और अगले 600 के हैं। तो ट्रैक्टर ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, और धुएं का नाम और निशान नहीं है ट्रैक्टर पे। ये नया ट्रैक्टर है, क्या बिगड़ रहा है इसका। और ये देखिए, खेत मालिक को कुछ आपत्ति है कि अंकल जी को कि जल्दी जल्दी मत काम करे, आराम से करो। तो मेरे भाइयों, सिंगल लोड पावर स्टीयरिंग आता है, सिंगल लोड बस ये पड़ता है, पावर स्टीयरिंग का नाम हो जाता है, और कंपनी अच्छा खासा बचा लेती है, खर्चा कम आता है इसमें। अभी तो नहीं पढ़ायो, नहीं पढ़ा अभी, कर अब के फेरे में होगा अब के में। तो आप देख सकते हैं कितना भगभग के काम कर रहा है ट्रैक्टर। डुअल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर है, और ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक्स हैं, तेल में डूबे हुए ब्रेक्स हैं इसके। और ये डुअल क्लच के साथ आता है, डबल क्लच के साथ नहीं आता। डुअल में और डबल में क्लच में फ़र्क होता है, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और जितने भी ट्रैक्टर हैं ना स्कोट के,
वो ज़्यादातर मस्कुलर टाइप लुक होता है उसका, बहुत ही अच्छी शो लगती है ट्रैक्टर की। बहुत ही उम्दा टाक ये देखिए दोस्तों, स्लिप काट रहा है ट्रैक्टर पर, इंजन आरपीएम नहीं दौड़ रहा है, तो ट्रैक्टर में दम है। एस्कॉर्ट कंपनी है भाई, दम तो लगाएगी, दम तो सभी ट्रैक्टर लगाते हैं मेरे भाइयों, सबकी अपनी अपनी समझ होती है कि मुझे कौन सा ट्रैक्टर लेना है, सबकी एक पर्सनल चॉइस होती है। कोई भी ट्रैक्टर बुरे नहीं होते, क्योंकि सब अपनी टेक्नोलॉजी लगाते हैं और सब इंजीनियर लगते हैं और वे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों तनख्वाह लेते हैं, तो इसी बात की लेते हैं कंपनी से। पर आप ट्रैक्टर बोल लीजिए जिस ट्रैक्टर का आपका मन मानता हो, और एक बार उस ट्रैक्टर के बारे में पढ़ लीजिए या देख लीजिए कि ट्रैक्टर कैसा है, कि लोगों ने कैसा रिव्यू करा है, अगर आप पहली बार उसे लेने जा रहे हैं, और अपने आसपास उसकी अवेलेबिलिटी देखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। तो भैया जी, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरपाल है। अच्छा जी, और गांव कौन सा है जी? गांव पवरसा। पवरसा गांव है जी, हमारे गांव है। तो जैसा कि आप इसे ट्रैक्टर को चला रहे हो, कब से चला रहे हो आप इस ट्रैक्टर को? ट्रैक्टर तो घने दिन चला रहा है, ये बदला ट्रैक्टर, यही ट्रैक्टर ला दोबारा। अच्छा, यही ट्रैक्टर लाए दोबारा, पहले भी यही था? पहले भी यही था। अच्छा जी, तो एवरेज क्या दे रहा है इस पे? एवरेज टिलर पे दे 3 का दब के चलाने में। 3 का, और एक घंटे में कितना टिलर निकाल दे? एक घंटे में टिलर 8 बीघे। 8 बीघे, 2 बार के में? सिंगल, एक बार के। सिंगल सिंगल सिंगल। अच्छा जी, जैसा आप जॉन डियर भी चला रहे हो, तो उसके मुकाबले ये भी 3 है और वो भी 3 सिलेंडर है, तो क्या फर्क है? वो पावर ज्यादा है उसकी। पावर ज्यादा है तो कितने ज्यादा ले इससे? अच्छा जी, लोड ज्यादा ले। कंपनी का भी फर्क है कुछ? है का फर्क। अच्छा जी, तो मेरे भाई बिल्कुल नया ट्रैक्टर लिया है। तो कब लिया था आपने ट्रैक्टर? 4 महीने लिए। 4 महीने लिए हुए ट्रैक्टर हो गया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है। और आप ये बम्पर कहाँ से लगवाए जी? कंपनी का ही है? कंपनी का बम्पर है, देखिए कितना सुंदर बम्पर बना रखा है कंपनी ने, और सुविधा के लिए 2 चैन के लिए वो भी लगा रखा है, कि कहीं ट्रैक्टर फंस जाए तो उसमें आराम से निकल जाए ट्रैक्टर, दूसरा ट्रैक्टर लगा के। और ये एस्कॉर्ट का लोगो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और पावर ट्रैक लिखा हुआ है, तो किसान बहुत ही खुश है ट्रैक्टर से। और 3 सिलेंडर इनलाइन 3 ट्रैक्टर है, इनलाइन 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। और देखिए, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दें, और प्यार दे रहे हैं चैनल को। धन्यवाद मेरे दोस्त।